नमस्कार, हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। हाल ही में आरबीआई के हवाले से खबर आई है कि 12 बैंकों के पास 35,000 करोड़ रुपए की लावारिस राशि पड़ी हुई है। इस पैसे के बारे में पता लगाने के लिए आरबीआई ने सेंट्रलाइज्ड पोर्टल सिस्टम शुरू करने का फैसला किया है। इस पोर्टल के माध्यम से लावारिस पैसे के दावेदारों का पता लगाने की कोशिश की जाएगी। सबसे ज्यादा बिना दावे वाले राशि एसबीआई के पास है, लेकिन आपको बता दें कि बैंकों के अलावा एलआईसी के पास भी लावारिस पैसा पड़ा हुआ है। एलआईसी के पास पड़े करीब 21,500 करोड़ रुपए का कोई दावेदार ही नहीं है। इस बारे में एलआईसी की तरफ से पहले भी जानकारी दी गई थी। एलआईसी के पास पड़े लावारिस पैसे के बारे में किसी तरह की खास जानकारी तो नहीं दी गई, लेकिन बीमा कंपनी के आईपीओ लॉन्च होने के समय दस्तावेजों में ये जानकारी दी गई थी कि बीमा कंपनी के पास सितंबर 2021 तक 21,539 करोड़ रुपए ऐसे हैं जिसका कोई दावा नहीं कर रहा। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि कहीं लावारिस पैसे में आपकी या आपके किसी परिचित की अनक्लेम पॉलिसी का पैसा तो नहीं है, तो हम आपको चेक करने का प्रोसेस बता रहे हैं। एलआईसी के अनक्लेम अमाउंट के बारे में जानकारी पाने के लिए खास तरह का टूल एलआईसी ने दिया है। इसके जरिए आप अनक्लेम अमाउंट का पता लगा सकते हैं। अनक्लेम अमाउंट का पता लगाने का तरीका सबसे पहले ये है कि आपको एलआईसी की वेबसाइट पर जाना होगा या आपके कस्टमर सर्विस सेक्शन में जाना होगा। यहाँ आपको अनक्लेम्ड अमाउंट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स पर क्लिक करना होगा। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद एक अलग विंडो खुलेगी। यहाँ पॉलिसी का नंबर, पॉलिसी होल्डर का नाम, जन्म तिथि और पैन कार्ड जैसी डिटेल भरनी होंगी। अब सबमिट पर क्लिक करते ही आपको अनक्लेम अमाउंट की डिटेल मिल जाएगी। अनक्लेम अमाउंट को केवाईसी नियमों का पालन करके आप दावा कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी प्रॉपर केवाईसी करवानी होगी, साथ ही पॉलिसी होल्डर की केवाईसी भी अपडेट होनी चाहिए। इसके अलावा पॉलिसी से जुड़े दस्तावेजों को भी आपको जमा करना होगा। अगर ये अमाउंट एलआईसी से जारी किया जाता है तो ये पॉलिसी होल्डर के खाते में क्रेडिट हो जाएगा। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नियमों के अनुसार बीमा कंपनियों को 1,000 रुपए या उससे अधिक के अनक्लेम अमाउंट के बारे में जानकारी अपडेट रखनी होती है। अगर कोई अमाउंट 10 साल की अवधि के बाद भी किसी तरह के फेरबदल के बीमा कंपनी के पास बेकार पड़ जाता है तो उसे अनक्लेम अमाउंट कहा जाता है और उसे करार दे दिया जाता है। तो खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।